प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत ने विश्व को सांप्रदायिकता नहीं बल्कि आध्यात्म दिया है और संतों एवं ज्ञानियों ने हमेशा राष्ट्र धर्म का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने आज लाइव वीडियो लिंक के माध्यम से जैन संत आचार्य रत्न सुंदर सूरजी महाराज द्वारा लिखी गई 300वीं पुस्तक का लोकार्पण किया। जैन धर्म के 10 दिवसीय सुवर्णमय समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरीश्वर द्वारा लिखित 300वीं पुस्तक का विमोचन किया। जैन भिक्षु रत्न सुंदर महाराज की किताब मारू भारत सारू भारत हिंदी गुजराती मराठी और अंग्रेजी भाषाओं में है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में ऋषियों मुनियों ने हमेशा से दुनिया को आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया है। हमारे ऋषियों ने मुनियों ने परंपराओं ने विश्व को सांप्रदायिकता नहीं आध्यात्मिकता दी है। कभी कभी सांप्रदाय समस्याओं का सर्जक बन जाता है, अध्यात्म समस्याओं का समाधान बन जाता है। पीएम ने कहा कि आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरीश्वर ने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग राष्ट्र के निर्माण के लिए किया है। उन्होंने समाज को इस बात के लिए प्रेरित किया कि हर धर्म से ऊपर अगर कोई धर्म है तो वो राष्ट्र धर्म है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं हिंदुस्तान के पास ऐसी महान परंपरा है, ऐसे महान संत मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या अपने ज्ञान अपने अनुभव का उपयोग राष्ट्र के भाग्य को बदलने के लिए राष्ट्र का भावी निर्माण करने के लिए अपने आप को खपाया है। मुंबई के चूनाभट्टी स्थित सोमैया ग्राउंड में चल रहे इस समारोह के लिए 12 एकड़ में एक भव्य पांडाल बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।